अ गिफ्ट ऑफ गोल्ड। पाइए एक गोल्ड कॉइन फ्री ऑन गोल्ड ज्वेलरी और दो गोल्ड कॉइन्स फ्री ऑन डायमंड ज्वेलरी परचेस। आइए ये त्योहार मिलकर मनाएं। हैप्पी दिवाली। गुलबर्गा में टीपू जयंती बगैर किसी बाखुशगवार वाकये के कामयाबी के साथ मनाई गई। रंग मंदिर में सरकारी सतह पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुखररीन ने टीपू सुल्तान के दौरे हुकुमरानी के वाकयात पर रोशनी डाली। मुखररीन ने कहा कि टीपू सुल्तान ने अपने दौरे हुकूमत में हर शोबे में कई रिफॉर्म्स किए। रेवेन्यू, जमींदारी, काश्तकारी, आपाशी, सनत व हुरफत, कर्ज, हर शोबे में टीपू सुल्तान ने रियासत मैसूर को अपने पैरों पर खड़ा करने की कामयाब कोशिश की। मुखररीन ने टीपू को एक सच्चा मुहिब वतन हुकुमरान करार दिया। मुझे कोई ऐसा हुकुमरान बताइए पूरे हिंदुस्तान के इस हुकुमरानों में कि जिसने अपने हिंदुस्तान को, अपने इस भारत माता को बचाने के लिए अपने दो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को गिर के रखा हो। जब डेविड आन वेलिंगटन को टीपू सुल्तान की शहादत की इत्तला दी गई तो तदारुस ने यकीन नहीं किया। फिर अपने वफादारों की लाशों के ढेर में टीपू सुल्तान की लाश दिखाई गई तो जनरल वेलिंगटन ने एक बहादुर सिपाही की तरह टीपू सुल्तान की लाश को सैल्यूट किया और कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। मुखररीन ने टीपू को एक हिंदू मुखालिफ या कनाडा मुखालिफ हुकुमरान होने के इल्जाम को मस्तरद कर दिया। मुखररीन ने तारीख के हवालों से टीपू को एक सेकुलर हुकुमरान करार दिया। हिंदू मुस्लिम एरडु कण्णु इद्दागे ओंदु किवियल्लि अजान केळिदरे ओंदु किवियल्लि रंगनाथन घंटेनाद केळिसबेकु अंत अन्नुवंत महान व्यक्ति ई देशदल्लि याराद्रिद्रे अदु हजरत टीपू सुल्तान। ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತಾವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಮರಾಠಾದವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮರಾಠಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನವರು ಹಿಂದೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಮರಾಠರು ಇದೇ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಸೇನೆ ಕಳಿಸಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಕಿ ತಕರೀಬ್ ಮೇ ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಹಜಾರೋ ಲೋಗೋ ನೆ ಶಿರ್ಕತ್ ಕಿ ಲೇಕಿನ್ ಸಿಯಾಸಿ ಲೀಡರಾನ್ ಇಸ್ ತಕರೀಬ್ ಸೆ ದೂರ್ ರಹೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸೆ ಎಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಯತುಲ್ಲಾ ಸರ್ಮಸ್ ಕಿ ರಿಪೋರ್ಟ್.